वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। बोलो माँ शेरावाली की जय। बोलो शैलपुत्री माता की जय। कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन अगर माता के 9 रूपों की पूजा की जाए ना और व्रत रखा जाए तो सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए तो हम नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं। हाँ रानी साहिबा, ये 9 दिन जब आप व्रत रखती हैं तब हमें बड़ा सुकून मिलता है क्योंकि ये 9 दिन आप हमसे झगड़ा नहीं करती। जहाँ पना आप ये मत भूलिए कि हमारे 9 दिन के व्रत की वजह से ही माता ने आपको हिंदुस्तान का बादशाह बना रखा है। जहाँ पना इस बार हमने खास तौर पर मशहूर चंपक रामलीला मंडली को रामलीला के मंचन के लिए बुलवाया है। कल शाम तक ये मंडली पहुंच जाएगी। बहुत खूब। तो बोलो दुर्गा माता की जय। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जहांपनाह की जय हो। जहांपनाह सिंध देश की राजकुमारी जानकी जी तशरीफ लाना चाहती हैं। ओह हमारे करीबी दोस्त महाराजा बुट्टा सिंह की बेटी जानकी आई है। ऐसे अचानक उन्हें बाइज्जत हमारे सामने पेश किया जाए। झापना अकबर को जानकी का सलाम उछल के। जानकी बेटा आप ऐसे अचानक हमारे दरबार में, सब खैरियत तो है? नहीं ताऊसा, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और इसीलिए आपके पास आए कि आप हमारी कुछ मदद करेंगे उछल के। देखिए जानकी बेटा, आप हमारी बेटी की तरह हैं, हम बिना उछले भी आपकी मदद करेंगे। हमें बताइए तो सही के हुआ क्या है। ताऊसा ये पिताजी की रियासत के दीवान जी के पुत्र रामकुमार हैं। प्रणाम जापना। और हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं उछल के। अरे भाई अब उछल के या बिना उछले जैसे भी आप शादी करना चाहती है कीजिए, इसमें मुश्किल क्या है। हमारे पिताजी हमारी शादी रामकुमार से नहीं बल्कि गुजरात के राजकुमार गब्बर से करना चाहते हैं। वो हमसे प्रेम का दावा करता है लेकिन हम तो राम से प्रेम करते हैं और इन्हीं से शादी करना चाहते हैं। जी जापना, इसलिए हम दोनों महाराज बुट्टा सिंह के डर से भागकर आपकी शरण में आए हैं। जानकी ने बताया कि अब आप ही हम दोनों की शादी करवा सकते हैं। जानकी जी, लेकिन आपके पिताजी बुट्टा सिंह जी आप दोनों की शादी के खिलाफ क्यों? ताऊसा पिताजी बादशाह है और वो अपनी हैसियत से नीचे किसी दीवान के बेटे को अपना दामाद नहीं बनाना चाहते। देखिए हम आपके पिताजी भुट्टा सिंह से मिलकर ये बात उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात नहीं टालेंगे। बलदेव जी जान, भुट्टा सिंह तक हमारा संदेशा पहुंचाइए, हम अपने महल में उनसे मिलना चाहेंगे। जी जान। शुक्रिया जहांपनाह। जहांपनाह अकबर, आप हमारी बेटी को सह देकर उसे हमारे खिलाफ मत कीजिए। हम जानकी का विवाह इस दीवान के लड़के रामकुमार से नहीं बल्कि इस गब्बर सिंह से ही करवाएंगे। और जहांपनाह ये भी मत भूलिए कि हमारी वजह से ही उन 5 बादशाहों ने आपके खिलाफ दुश्मनी खत्म की थी। अगर वो 5 एक साथ मिल जाएं तो आपकी इस पूरी मुगलिया सल्तनत की ईंट से ईंट बजा देंगे भुट्टा छील के। आप हमें अचानक ये 5 बादशाहों की बात याद क्यों दिला रहे हैं? आप हमें धमकी दे रहे हैं? जी हाँ, अगर आपने जानकी का विवाह इस
राम कुमार से करवाया तो हमारे कहने से वो पांच बादशाह आपके खिलाफ जंग छेड़ देंगे। और तो और जहां पना हमारी रियासत से जो नदी आपकी सल्तनत में बहती है हम उस नदी का पानी रोक देंगे और आपकी प्रजा एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएगी भुट्टा छील के। भुट्टा सिंह जी आप खामखा नाराज हो रहे हैं। देखिए आपस की बात है, आप सफर से थक कर आए, आप महल में आराम कर लीजिए, जलपान ग्रहण कीजिए, फिर आराम से इस मसले में बात करेंगे। ठीक है बिरबल जी, अगर आप कहते हैं तो हम विश्राम कर लेते हैं, लेकिन जहां पना हम झुकेंगे नहीं। चलिए गब्बर सिंह। गुस्ताखी माफ हो जापना, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि राम कुमार और जानकी को उनके हवाले कर देना चाहिए, नहीं तो वो पांचों बादशाह हमारे खिलाफ जंग छेड़ देंगे। और उन्होंने नदी का पानी रोका तो हमारे राज्य को काफी नुकसान हो जाएगा। ताऊ सा, अब जो करना चाहते हैं आप कीजिए, हम बस इतना जानते हैं कि अगर हमारी शादी राम कुमार से नहीं हुई तो हम अपनी जान दे देंगे। जी जापना, हम भी जानकी के बिना यमुना में कूद कर अपनी जान दे देंगे, क्योंकि अगर जानकी नहीं रहेगी तो हम जीकर क्या करेंगे। जापना, मुगलिया सल्तनत के शरण में दो प्रेमी आए, अगर हम इनकी रक्षा नहीं कर पाए तो बहुत शर्म की बात होगी। नहीं बीरबल नहीं, हम मुगलिया सल्तनत पर इन दोनों प्यारे बच्चों की मौत का दाग नहीं लगने देंगे, लेकिन साथ ही साथ हम जंग भी नहीं चाहते। उस नदी के पानी को अगर रोक दिया गया तो हमारी प्रजा पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सोचिए कुछ। राम कुमार और गब्बर सिंह में से जो भी इस भारी धनुष को पूरा ऊपर उठा लेगा हमारी बेटी जानकी उसी के गले में बरमाला डालेगी। जहां पना स्वयंवर शुरू किया जाए। पृथ्वी के कोने कोने से ओजस्वी और महापराक्रमी नरेश गण, हम अग्नि को साक्षी मानकर चंद्रमा की 16 कलाओं के जैसी परिपूर्ण हमारी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। इसीलिए जो इस शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा हमारी पुत्री सीता करेगी उसका वरण। भक्त रावण रखते हैं बल तीनों लोक का, चढ़ाएंगे धनुष की प्रत्यंचा, ये काम नहीं किसी और का। हे लंकेश रावण, देवताओं ने बजा दिया है युद्ध का डंका, समय नहीं है तेरे पास, भाग और बचा ले अपनी सोने की लंका। ए जनक, हमारे सिवाय धनुष की प्रत्यंचा कोई नहीं चढ़ा पाएगा। अफसोस, इस धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस शिव धनुष को उठाकर हमारी पुत्री सीता का वरण कर सके। हे मिथिला नरे जनक, जिस सभा में स्वयं रघुकुल मणि राम हो उस सभा को कायरों की सभा कहना सर्वथा अनुचित है। राम, समय आ गया है भगवान शिव के इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर जनक का संताप मिटाओ। भुट्टा सिंह जी, हम ये सोच रहे थे कि क्यों ना जानकी जी का भी स्वयंवर किया जाए।
इनके स्वयंवर में कोई भी एक मुकाबला रखते हैं और रामकुमार और गब्बर सिंह जी में से जो भी ये मुकाबला जीतेगा वही जानकी जी का जीवन साथी होगा। हाँ ये बात सही है बीरबल। लीजिए बुट्टा सिंह जी, इसमें ना हमारी बात रही और ना आप। हाँ हाँ जहांपनाह, रखवाइए स्वयंवर। हमने तो ये भी सोच लिया है कि जानकी के स्वयंवर में रामकुमार और गब्बर सिंह के बीच किस चीज की प्रतियोगिता होगी। किस चीज की? बिल्कुल सीता स्वयंवर की तरह। इन दोनों में से जो भी एक भारी धनुष को उठा लेगा उसके गले में जानकी बरमाला डाल देगी भुट्टा छील कर। धनुष पेश किया जाए। राम कुमार और गब्बर सिंह में से जो भी इस भारी धनुष को पूरा ऊपर उठा लेगा हमारी बेटी जानकी उसी के गले में बरमाला डालेगी जहांपनाह। स्वयंवर शुरू किया जाए। रामकुमार जी आई। क्या हो गया गब्बर सिंह? धनुष उठाइए भुट्टा छील के। अरे हम खुद नहीं उठ पा रहे हैं, धनुष क्या उठाएंगे? आपने हमारी ताकत बढ़ाने के लिए ऐसी मिठाई खिलाई कि हमारा पेट खराब हो गया। अरे भुट्टा सिंह जी, आपने ऐसी कौन सी ताकत वाली मिठाई खिला दी इनको? वो जो आपने ताकत वाली मिठाई के बारे में बोला था ना, वही खिला दी थी। बिरबल जी वो भुट्टा सिंह जी आ रहे हैं। शुरू हो जाइए। हाँ तो दास, नवरात्रि के उपलक्ष्य में हमने रसोई घर में कुछ खास किस्म की मिठाइयां बना के रखी। इसे खाने से इंसान के शरीर में ताकत और फुर्ती आ जाती है। शहजादे सलीम से कहना कि वो ये मिठाइयां खाए और कुछ मिठाइयां राम कुमार को भी दे दे। जी भी। चाहिए। बिरबल जी। अरे भुट्टा सिंह जी आप कब आए? हमने तो आपको देखा ही नहीं। ऐसी क्या खास मिठाई बनाई है आपने भुट्टा छील के? भुट्टा सिंह जी वो मिठाइयां खास इसलिए क्योंकि उस मिठाई में हमने असली घी के साथ साथ कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए हैं जिसे खाने से इंसान के शरीर में अचानक फुर्ती और ताकत आ जाती है।
देखा है कि शहजादे सलीम जो है वो वर्जिश के शौकीन है ना, और हमने कहा है कि कुछ मिठाई रामकुमार को भी दे दे, स्वयंवर जो है हा? उनकी मदद हो जाएगी, ताकत वाली मिठाई। बिल्कुल ताकत वाली मिठाई, लगता है ताकत वाली मिठाई आपने कुछ ज्यादा ही खिला दी इनको। देखे ना इनकी हालत, जा बना, अब ये धनुष बाण उठाने वाला स्वयंवर तो हो ही नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता जहांपना? अगर आज गब्बर सिंह की तबीयत खराब है तो हम ये स्वयंवर कल रखते हैं। क्यों नहीं, आज नहीं हो सकता तो ये स्वयंवर कल हो सकता। नहीं जहांपना, कल भी नहीं हो सकता। कल नहीं हो सकता ये। क्यों जहांपना? क्यों नहीं हो सकता बीरबल? इसलिए नहीं हो सकता जहांपना क्योंकि भुट्टा सिंह जी ने खुद कहा था कि उनकी बेटी जानकी का स्वयंवर बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे सीता जी का स्वयंवर हुआ। लेकिन जहांपना, राजा जनक के पास जो शिव जी का धनुष था उसे सीता जी तो बड़े आराम से उठा लेती थी। बल्कि रामायण में लिखा है कि वो उठाकर यहाँ वहां घूमती थी। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो भारी भरकम धनुष है क्या जानकी जी इसे उठा सकती हैं? उछल के, नाच के, कूद के, कैसे भी? नहीं नहीं, हम नहीं उठा सकते पिताजी, स्वयंवर ही गलत है ना। जब जानकी जी इस धनुष को उठा ही नहीं सकती तो फिर ये स्वयंवर सीता जी से कैसे हुआ? इसीलिए ये स्वयंवर नहीं हो सकता। अब ये स्वयंवर तो नहीं हो सकता। तो ठीक है, स्वयंवर की शर्त आप ही बताइए क्या रखी जाए। ठीक, अब हम स्वयंवर की शर्त रखेंगे, लेकिन आज नहीं, कल। कल इस भरे दरबार में जानकी जी का स्वयंवर होगा। तो चलिए बीरबल, अब बताइए क्या है आपकी स्वयंवर की शर्त? जा बना, रामकुमार और गब्बर सिंह जी दोनों ही जानकी जी को पाना चाहते, इसलिए हमने जो स्वयंवर की शर्त रखी है जापड़ा, उसमें प्रेम के ताकत की परीक्षा होगी। हमारे स्वयंवर की शर्त बहुत आसान है जापड़ा, रामकुमार और गब्बर सिंह जी को जानकी जी के हाथ में सिर्फ एक कंगन पहनाना होगा। कंगन पहनाना होगा? ये कैसी शर्त है बीरबल? कंगन पहनाने में कौन सी मुश्किल है, तो बड़ा आसान है, कोई भी पहना देगा। अभी पता चल जाएगा जहांपना के कंगन कोई पहना सकता है या नहीं। ले आइए। जैसा कि आप देख सकते हैं जहांपना, ये जो कंगन है ये जानकी जी के हाथ से बहुत ही छोटे हैं। तो देखते हैं कि इन दोनों में से कौन ये छोटे कंगन इनके हाथ में पहना सकता है। जो भी ये कंगन पहनाएगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। बस इतनी सी शर्त, ये लीजिए, और ये आपके लिए गब्बर सिंह। इतनी मामूली सी शर्त। चलिए अब शर्त जैसी भी है, स्वयंवर शुरू किया जाए। ये क्या कर रहे हैं आप? कंगन पहनाइए हमें, नहीं तो आप हार जाएंगे। स्वयंवर शुरू किया जाए। जानकी जी, ये क्या कर रहे हैं आप?
कंगन पहनाइए हमें, नहीं तो आप हार जाएंगे। देखा आपने जानकी जी, कितने कमजोर आदमी को आपने पसंद किया था, जो डर के पीछे भाग गया। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। तुम देख रहे हो कि मेरी बेटी जानकी दर्द से तड़प रही है, उसके बावजूद भी तुम उसे कंगन पहनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर हम कंगन नहीं पहनाएंगे तो जीतेंगे कैसे? तो मत जीतिए। आप हमारी बेटी से प्यार करने का दावा करते हैं और आपको उसके दर्द का थोड़ा भी एहसास नहीं है। आपसे अच्छा तो ये रामकुमार है जो जानकी का दर्द देख कर पीछे हट गया। भुट्टा छील के बिल्कुल सही कहा आपने भुट्टा सिंह जी, ये प्रेम की ताकत का स्वयंवर था। जापना, असली प्रेम की ताकत अपने प्रेम को तकलीफ में, दुख में देखने में नहीं होती, बल्कि उसका दुख, उसकी तकलीफ दूर करने में होती है। प्रेम कुमार ने जानकी जी को कंगन पहनाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जानकी जी को तकलीफ महसूस हो रही, उन्हें दर्द हो रहा है, तो वो उनका दर्द देख नहीं पाए और पीछे हट गए। लेकिन गब्बर सिंह जी सिर्फ अपना जोर आजमाते रहे। उन्हें जानकी जी की तकलीफ, उनके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो सिर्फ ताकत का जोर इस्तेमाल करके शर्त जीतना चाहते थे। जापना, भुट्टा सिंह जी भी अपने बेटी से बहुत प्यार करते हैं। जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी को तकलीफ हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है, तो उनसे भी ये देखा नहीं गया। यही होता है सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार। आपने बिल्कुल ठीक कहा बिरबल जी, भुट्टा छील के। जापना, बड़े दुख की बात है, लेकिन आज भी हमारे समाज जात पात इज्जत के नाम पर बेटी को एक ऐसे ससुराल में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसकी खुशी नहीं होती, जहाँ वो खुश नहीं रहती। जबकि एक लड़की की शादी ऐसे घर में कर देनी चाहिए जापना, जहाँ पर उसके खुशी को सबसे ऊंचे स्तर पर रखा जाए, तभी वो लड़की खुश रह सकती है। हम वाकई में बहुत शर्मिंदा हैं बिरबल जी, आपने आज हमारी आंखें खोल दी है। अब हमें यह एहसास हो गया है कि प्रेम की जात ही सबसे ऊंची जात होती है। इसलिए आज हम एक ऐलान करते हैं, हम अपनी बेटी का हाथ रामकुमार के हाथ में देते हैं। आओ रामकुमार। वाह बीरबल वाह, आज आपने बड़े ही नायाब तरीके से सबको प्रेम की ताकत का एहसास करवाया। भुट्टा छील के। हा, 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 हा।